एक और बड़ी खबर है, आपको बताएं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है लवली का इस्तीफा। लवली ने आज ही कांग्रेस चीफ को भेजा था अपना इस्तीफा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने नाराजगी जाहिर की थी, इस्तीफा दिया, अब मीडिया से मुखातिब है, अपनी बात को वो रख रहे हैं। सुनते हैं जरा। दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? आपका इस्तीफा सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस के लिए? धन्यवाद। तो देखिए, अरविंदर सिंह लवली जो कि इस्तीफा दे चुके हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष से, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा था, नाराजगी जाहिर इस बात को लेकर उन्होंने की कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों किया, और जब गठबंधन किया ही तो जो सीटें हमारे खाते में आई तो वहां पर कैंडिडेट्स आपने बाहरी क्यों उतार दिए, कैंडिडेट्स को लेकर भी नाराजगी उनकी थी। और यहां तक कि वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जब मैं कोई अपॉइंट कर ही नहीं सकता हूं किसी को, मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर इस पद पर रहने का क्या फायदा। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में कही है, लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा, और बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। आज ही उन्होंने इस्तीफा भेजा, आज ही स्वीकार हो गया है, तो इसका क्या मतलब हम समझे। एक तरफ तो देखिए चुनाव है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में अध्यक्ष विहीन कांग्रेस हो चुकी है।